वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, 3 माह से बंद मुल्तान के थिएटर्स विजिलेंस कमेटी की जानिब से सेंसर रिहर्सल चेक करने के बाद शहरियों के लिए खोल दिए गए। विजिलेंस कमेटी ने थिएटर्स इंतजामिया को कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की तंबीह कर दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 माह से बंद मुल्तान के थिएटर्स को आज सेंसर रिहर्सल के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से सेंसर रिहर्सल जो है वो भी चेक की गई है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस चेयरमैन जो है वो भी मौजूद होंगे, जिनसे बात करेंगे। इसे क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए? देखें कि 3 माह से ये बेरोजगार थे और 3 माह से ये कोरोना की वजह से थिएटर हमारे बंद थे। ये DC साहब ने, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने, ACCT साहब ने और सब रिसार साहब ने बहुत कोशिशों के बाद इन लोगों की जो मजबूरियात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये खोलने की परमिशन दी है SOPs के साथ, और इनको एक टाइमिंग दी गई है, SOPs दिए गए हैं, ये इंशाल्लाह उनको फॉलो करेंगे। और मुझे आज बहुत खुशी एक बात की और भी हुई है कि डायरेक्टर साहब ने जो है वो हमारे लोकल जो फनकार हैं उनको मौका दिया है ताकि उनका जो रोज़गार बंद हुआ हुआ था वो दोबारा से चालू हो सके। तो बहुत ज्यादा खुशी भी हुई है, साथ साथ रजिस्ट्रार कैंट भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, आपने सेंसर रिहर्सल भी देखी, किन चीजों की कमी है जिनको बेहतर बनाया जा सकता है, क्या कहेंगे तमाम? जी, एक तो जैसे ये बता रहे हैं कोरोना की वजह से हिट हुए हैं कुछ सेक्टर, उसमें जो ज्यादा हिट हुए उनमें से एक सेक्टर हमारा ये है, मतलब हमारा सिनेमा या हमारा थिएटर हो गया, तो वो खुल चुका है। लोकल लोगों को इससे वो एक फाइनेंशियल जो है सपोर्ट वो मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा, अभी ज़ाहिर है नया नया स्टार्ट है तो चीज़ें अभी यहाँ पे इंप्रूव होने वाली हैं, एनवायरनमेंट मज़ीद इंप्रूव होने वाला है, ठीक। तो वो मैंने भी डिस्कस कर लिया है, होप के आने वाले दिनों में फ्राम टुडे ऑनवर्ड ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और ये वजह कि इंतजामिया की जानिब से आज बाकायदा तौर पर थिएटर की सेंसर रिहर्सल चेक की गई है, जिसके बाद मुल्तान के वसीम शहजाद हमारे साथ।